मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने देखा कि इसका बच्चा प्योर व्हाइट कलर का निकला है, क्योंकि व्हाइट कलर जो होता है प्योर, उसका रेट अच्छा लगता है मार्केट में। तो मैंने सोचा फ्रेंड्स कि ये अपडेट मैं आपसे शेयर करूं, ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले मेरी इस वीडियो से। असल में फ्रेंड्स, कबूतरों में ये टैलेंट होता है कुदरत के तौर पे कि ये अपने से मुख्तलिफ कलर के बच्चे निकाल सकते हैं हर क्लच के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम फ्रेंड्स। आप मेरे सामने एक काठे का इंडियन लखे का पेयर दे सकते हैं ब्रीडर। ये इंडियन फैनटेल भी इसको कहा जाता है। इसका जो नर है आप देख सकते हैं कि वो सफ़ेद कलर में है, प्योर सफ़ेद कलर में, और जो मादी इसकी है वो चॉकलेटी कलर की है, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब इसने पहली ब्रीड की थी तो इसका एक अंडा अनफर्टाइल निकल आया था और दूसरा अंडा इसका फर्टाइल था, जिसमें से फ्रेंड्स इस कलर का बच्चा निकला। ये बच्चा अब खुद खाने लग गया है, 1.5 से 2 माह का है ये। लेकिन फ्रेंड्स, जब इस जोड़े ने सेकंड ब्रीड दी तो उसने एक ही अंडा दिया, और उस एक ही अंडे में से फ्रेंड्स ये वाला बच्चा निकला। जब ये बच्चा छोटा था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी ये किस कलर में निकलेगा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इसने अपने जब पार्ट निकाले हैं तो मुझे काफ़ी हद तक ये बात कंफर्म हो गई है कि फ्रेंड्स इसका ये बच्चा सफ़ेद कलर के पार निकालेगा, मतलब ये बच्चा अपने बाप पर जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये बाप है इसका, और जो आप इसके पर पे ब्लैक कलर का निशान दे सकते हैं, ये मैंने मार्कर से लगाया खुद, ताकि मुझे याद रहे कि नर कौन सा है इसमें से, वरना ये प्योर वाइट ही है, और बच्चा भी माशाल्लाह से प्योर वाइट है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने देखा कि इसका बच्चा प्योर वाइट कलर का निकला है, क्योंकि वाइट कलर जो होता है प्योर, उसका रेट अच्छा लगता है मार्केट में। तो मैंने सोचा फ्रेंड्स कि ये अपडेट मैं आपसे शेयर करूं, ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले मेरी इस वीडियो से। असल में फ्रेंड्स, कबूतरों में ये टैलेंट होता है कुदरत के तौर पे कि ये अपने से मुख्तलिफ कलर के बच्चे निकाल सकते हैं हर क्लच के अंदर। सो फ्रेंड्स, मज़ीद आने वाले वक्त में मैं आपको इसकी अपडेट करता रहूँगा, इस पेड़ के बारे में भी और इस बच्चे के बारे में भी। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और फ्रेंड्स अगर आपको कोई सवाल हो इस ब्रीडर पेड़ के मुतल्लिक, आप इसे बिला तकल्लुफ पूछ सकते हैं। और अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।